iPhone XR in 2023. Let's talk about this. So guys, आज हम बात करने वाले हैं मेरे one of the favorite iPhone के बारे में। जब भी मैं इस फोन को अपने हाथ में उठाता हूँ मेरे को ना अलग ही वाइब आने लगती है एंड पता नहीं क्यों इस फोन से एकदम अलग सा मेरा लगाव सा है। स्पेशली इसका डिजाइन, ये इतना ज़रा क्लीनर जो लुक देता है, ऑल्सो इसकी परफॉर्मेंस वगैरह। तो चलो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये अभी 2023 में लेना चाहिए कि नहीं, बिकॉज ये फोन हुआ था 2018 में लॉन्च एंड अब इसको 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं कि क्या ये अभी भी वर्थ करता है खरीदना या फिर नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो हे गाइस, माय नेम इज मोहित, वेलकम टू माय चैनल। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज दैट लाइक बटन और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस की, एंड क्योंकि ये फोन आपको नया देखने को नहीं मिलेगा तो ये आपको दो ही कंडीशंस पे मिल सकता है, पहला रिफर्बिश एंड दूसरा सेकंड हैंड। एंड दोनों ही केसेस में आपको लगभग सेम ही प्राइस का देखने को मिलेगा एंड ये आपको 20,000 रुपीज से लेकर 25,000 रुपीज तक का देखने को मिल सकता है। हाँ, 20 से कम में भी मिल जाएगा अगर इसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है तो मे बी 15,000 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छी खासी कंडीशन में है जैसे कि ये वाला फोन है, इसकी बैटरी हेल्थ 85% है, तो ऐसा फोन अगर आप खरीदते हो तो ये 20 से 25,000 रुपए के आसपास आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन की। यहाँ पे आपको पीछे ग्लास बैक देखने को मिलता है एंड ये अभी तक का क्लीनेस्ट आईफोन मुझे लगता है। हाँ, एक ही लेंस है तो लेंस का जरूर डिसएडवांटेज हो जाता है, लेकिन भाई दिखने में बहुत ज्यादा प्यारा लगता है ये वाला फोन। ऑल्सो नीचे की तरफ आईफोन लिखा हुआ है एंड ये पूरा व्हाइट कलर का बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। इसके साइड्स में आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम मिल जाता है, सामने की तरफ पे एलसीडी डिस्प्ले मिल जाता है एंड बड़ा सा नॉच मिल जाता है, ऑल्सो बड़े बड़े मिल जाते हैं। नॉच के कारण इसमें आपको फेस आईडी मिल जाती है, पीछे की तरफ पे वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, हाँ लेकिन ये मैक्सेफ सपोर्ट नहीं करता है। IP67 वाटर रेसिस्टेंट मिल जाता है, इसको आप पानी के अंदर 1 मीटर तक रख सकते हो फॉर 30 मिनट्स, तो हाँ काफी अच्छा खासा ड्यूरेबल भी मिल जाता है। यहाँ पे राउंडेड एडजेस्ट मिलती है जो की कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। हाँ, लेटेस्ट फोन में आपको फ्लैट एडजेस्ट मिलती है, लेकिन राउंडेड एडजेस्ट के भी अलग ही मजे हैं, बिकॉज जब भी आप फोन को पकड़ते हो काफी अच्छे खासी हैंडलिंग हो जाती है। एंड ऑल्सो जिन लोगों को बड़े फोन पसंद है उनके लिए बहुत कमाल का फोन हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो iPhone 13 एंड iPhone XR इन दोनों का जो डिस्प्ले साइज है एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि iPhone XR जो है ये बड़ा है। हाँ, बेजल्स हैं, डिस्प्ले आपको बड़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको ओवरऑल जो फील मिलेगा ना वो एक बड़े फोन वाला ही मिलेगा। इसका हल्का सा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको बेजल्स मिल जाती है। एंड क्योंकि हम डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.1 इंचेस का लिक्विड रेटिना IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली एक डिसएडवांटेज हो जाता है, बिकॉज आज की डेट में आपको LCD डिस्प्ले खरीदने का कोई सेंस नहीं है मेरे हिसाब से, बट जिस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है उस हिसाब से बहुत सही है। अगर आप टेक में नहीं हो तो भाई आपको इसमें डिफरेंस भी समझ में नहीं आएगा। एंड इस वाले डिस्प्ले को रेट करूं तो ये बहुत ज्यादा कमाल का डिस्प्ले हो जाता है एंड ये आज भी सबसे बेस्ट LCD डिस्प्ले है किसी भी स्मार्टफोन में, क्योंकि कोई दूसरा स्मार्टफोन LCD डिस्प्ले बनाता ही नहीं है। 828x1792 के पिक्सल्स मिल जाते हैं, जिनकी पिक्सल डेंसिटी 326 PPI है। तो इसमें डिस्प्ले के मामले में बोलूंगा ठीक ठाक सा डिस्प्ले है, बाकी यहाँ पे 60Hz वाला डिस्प्ले मिलता है। ऑब्वियसली जब iPhone 14 में 60Hz का डिस्प्ले है तो भाई इसमें आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है चिपसेट। एंड iPhone XR में आपको 7 नैनोमीटर की A12 बायोनिक चिप मिल जाती है, जो कि आज की डेट में भी बहुत ज्यादा कमाल की चिप है। इस वाले फोन में मैंने बहुत ज्यादा PUBG खेला हुआ है एंड ये बहुत अच्छे तरीके से उसको झेल लेता है। अगर इसको कंपेयर करें साइड बाय साइड iPhone 14 से भी तो भी भाई यहाँ पे जो परफॉर्मेंस में डिफरेंस रहेगा वो इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं रहेगा। iPhone XR में आपको किसी भी टाइप का लैग देखने को नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा स्मूथ UI देखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है एंड कहीं पे भी ये आपको परेशान नहीं करने वाला है। और अगर आप इसमें कोई हैवी टास्क करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, भाई बहुत आराम से झेल जाएगा ये। 2 सालों तक मैंने इसको यूज किया है, बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है, इसका कैमरा यूज किया है, मैं अपने सारे शूट सारे एडिट्स इसी फोन में करता था। और जो अगर बात करूं गेमिंग की तो भाई गेमिंग में भी ये बहुत ज्यादा कमाल का फोन हो जाता है। यहाँ पे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा कमाल की है, कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हाँ, इसमें एक चीज है कि 60Hz वाला डिस्प्ले है, तो हाँ भाई वो तो iPhone 14 में भी आपको 60Hz वाला डिस्प्ले ही मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई वो वाला फर्क मैं नहीं बोलूंगा। बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस बहुत कमाल की मिलेगी एंड जितने भी गेमर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात ये रहती है कि भाई क्या इसका बैटरी बैकअप है। तो मैं बता दूं आपको कि इसका बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा कमाल का है, क्योंकि आप इसको 2023 में बाय करने वाले हो तो आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये बैटरी ओरिजिनल है कि नहीं है, बिकॉज अगर ये बैटरी ओरिजिनल नहीं है तो आपको बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिलने वाला है इसमें। इस वाले फोन की बैटरी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी चाची यूज कर रही है आज की डेट में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पूरा दिन उनका फोन चल जाता है
करता है एंड काफी अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल रहा है। 4 घंटे 17 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद भी अभी 27% बैटरी लेफ्ट है। इस फोन को कल शाम को 6 बजे के आसपास चार्ज किया गया था, वो भी 80% के आसपास, एंड इस फोन में अभी भी 27% बैटरी बची हुई है एंड इसका टोटल स्क्रीन ऑन टाइम 4 घंटे 17 मिनट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना कमाल का बैटरी बैकअप है इसका। बाकी मैं सारे एस्पेक्ट्स देख के अगर आपको बताऊं तो भाई इसका बैटरी बैकअप आपको ऐसा मिल जाएगा कि आप इसमें 3-4 घंटे की गेमिंग आराम से कर सकते हो। हाँ, अगर बैटरी परसेंटेज और अच्छा है, ओरिजिनल बैटरी है, तो इससे भी ज्यादा का बैटरी बैकअप मिल सकता है आपको, क्योंकि ये वो पहला आईफोन था जिसकी बैटरी ने मुझे इंप्रेस कर दिया था। और यही वो पहला आईफोन था जिसने, जो आईफोन की बैटरी बैकअप बहुत बेकार होता है, उस वाले टाइटल को इस वाले फोन ने ही चेंज किया था। तो इसलिए मेरा काफी ज्यादा फेवरेट फोन हो जाता है। इसमें आपको 2942 mAh की बैटरी मिल जाती है। हाँ, mAh काफी कम लग रहा होगा आपको, लेकिन इसकी A12 बायोनिक चिप काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है इस फोन के लिए, दैट्स व्हाई ये काफी अच्छा खासा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा आपको। एंड अगर आपका कोई हैवी यूज नहीं है तो भाई ये 1 से 1.5 दिन तो आराम से चलेगा। तो डेफिनेटली ये फोन मैं बैटरी गेमिंग के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ, बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है बहुत कम माल का फोन हो जाता है। अगर आपको आईफोन का एक्सपीरियंस करना है तो ये ले सकते हो गेमिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। एंड भाई यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 12 MP के सेंसर के साथ आता है, और इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 60 FPS पे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ कि किस तरीके का आउटपुट आपको इसमें मिलेगा। ये है iPhone XR का प्राइमरी कैमरा एंड ये शूट कर रहा है 4K 60 FPS पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको किस लेवल का आउटपुट मिलेगा। सो ये है iPhone XR का फ्रंट कैमरा जो कि शूट कर रहा है 1080p at 60 FPS पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस लेवल का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो मैं आपको यहाँ पे कुछ फोटोज दिखा देता हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल के फोटोज प्रोवाइड करता है। इसी के साथ इसमें आपको पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ये सिर्फ ह्यूमन पोर्ट्रेट ले सकता है। यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का पोर्ट्रेट आप नहीं ले सकते, ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा स्लो मोशन वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑल्सो इसका फ्रंट कैमरा आपको 7 MP का देखने को मिल जाता है जो कि काफी ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस दे देता है आपको। एंड ऑल्सो ये फ्रंट से 1080p at 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, यानी कि अगर आप रील्स वगैरह बनाना चाहते हो उससे तो हाँ भाई अच्छा खासा कैमरा हो जाता है किसी भी एंड्रॉइड फोन के कंपैरिजन में। ये स्पेसिफिकली फोटोग्राफी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी यहाँ इससे वीडियो वगैरह अच्छी खासी शूट कर सकते हो आप 4K 60 FPS पे। So guys, अब बात कर लेते हैं कुछ अदर एलिमेंट्स पे। तो भाई यहाँ पे सबसे मेन एलिमेंट ये एक 4G डिवाइस है। So guys, इस चीज को दिमाग में रख के ही आप ये फोन लेना, बिकॉज इसमें आप 5G नहीं चला पाओगे। एंड इन फ्यूचर अगर आपका 5G में शिफ्ट करने का प्लान है तो भाई ये वाला फोन आपके किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5G वाले बैंड्स ही नहीं है। सेकंड चीज, इसमें कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं है, कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, इसमें आपको सिर्फ सिंगल कैमरा मिलने वाला है। तीसरी चीज, यहाँ पे आपको LCD डिस्प्ले मिल रहा है जो कि OLED डिस्प्ले के कंपैरिजन में काफी पुराना डिस्प्ले हो जाता है फोन्स में। एंड अगर आप साइड बाय साइड OLED डिस्प्ले को एंड LCD डिस्प्ले को कंपेयर करते हो तो काफी डिफरेंस समझ में आता है। बाकी अगर आपको टेक का इतना नॉलेज नहीं है, अगर आप इतना नहीं घुसे हुए हो इन सब चीजों में, और एक बार आप इस फोन को हाथ में उठा के देखो, अगर आपको पसंद आता है तो आप चला सकते हो, बिकॉज ये वाला डिस्प्ले कहीं से भी परेशान नहीं करेगा आपको। एंड एक वो चीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है वो है इसका इन हैंड फील। कभी आप iPhone 12, 13, 14 को अपने हाथ में उठा के देखना एंड फिर इस वाले फोन को अपने हाथ में उठा के देखना, भाई ये अलग ही बड़ा दिखता है। और वहीं अगर आप 14 Pro Max, 13 Pro Max को उठाओगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ना ये वाला जो साइज है एंड ओवरऑल इनहैंड फील है, जो राउंडेड एजेस हैं, पता नहीं क्यों ये इतना कमाल का फीलिंग देते हैं। मे बी ये मेरे हाथों के सबसे एकदम परफेक्ट साइज है तभी मुझे इतना ज्यादा पसंद है, लेकिन लिटरली iPhone XR का मुझे आप एक फैन बोल सकते हो। एंड अगर आप भी iPhone XR के फैन हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, मैं लाइक जरूर करूंगा उसको। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, क्या ये फोन आपको 2023 में खरीदना चाहिए कि नहीं। तो भाई देखो, दो चीजें हैं। पहला, LCD डिस्प्ले चला सकते हो, आराम से चला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर किसी भी OLED डिस्प्ले से कंपेयर करते हो तो ये काफी ओल्डर जनरेशन का डिस्प्ले लगेगा। दूसरी चीज, 5G, इसमें कोई भी 5G का बैंड नहीं है। सो अगर आपका काम 4G में चल सकता है, 1-2 सालों के लिए चलाना चाहते हो या फिर इसको साइड में चलाना चाहते हो, बेस्ट फोन हो जाता है ये। तीसरी चीज, प्राइस, भाई 20-22 हजार रुपए के आसपास ही खरीदना इसको, बिकॉज अगर आप अबाउट 25 जाते हो तो वहां पे आपको iPhone 11, iPhone 12 भी मिल जाएगा। इसको 20-22 हजार रुपए के आसपास ही खरीदना। एंड नंबर 4, भाई इसको अच्छे से देख समझ के लेना, अगर सेकंड हैंड खरीद रहे हो या रिफर्बिश खरीद रहे हो तो मेरी जो रिफर्बिश एंड सेकंड हैंड वाली सीरीज है उसको चेकआउट करना मत भूलना, ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियोस देख लेना, उसके बाद इस फोन को खरीद सकते हो। सो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज दैट लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करो, द बेल आइकन, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।